अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम अगेन हेयर टुडे विद लेक्चर नंबर 5 फॉर क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, दो दिन हो गए हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उनके सिम्बल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। फिर कल हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से एलिमेंट्स की वैलेंसीज होती हैं, किस तरह वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंपाउंड्स से। अब कंपाउंड्स होते क्या हैं? कंपाउंड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने होते हैं, दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं और इन अ फिक्स्ड रेशियो, उनकी रेशियो होती है मास के हिसाब से, उनकी रेशियो, और वो रेशियो चेंज नहीं होती है मास के हिसाब से। ठीक है, यानी अगर वाटर है H2O है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी रेशियो है CO की रेशियो है 3:8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो देखें तो कार्बन 3 पार्ट्स कार्बन के हैं, 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के हैं। तो ये आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चले जाएं तो यही सेम इसकी रेशियो रहेगी, ये इसकी चेंज नहीं होती है। ठीक है, पहली बात कि रेशियो चेंज नहीं होगी, फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड है, हर जगह पे इसकी सेम रहेगी। सेकंड, हम लोगों ने कहा है कि दे आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, वो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। अब कंबाइंड होने की वजह से क्या होता है, जैसे सी और ओ है, ये दोनों केमिकली एक दूसरे से कंबाइन हो चुके हैं, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज, कार्बन की अकेले अपनी जो प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन की अपनी जो अकेले प्रॉपर्टी थी, वो ये भूल जाते हैं और जो नया इन्होंने कंपाउंड बनाया दैट इज़ CO2, ये उसको एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ देते हैं जो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फिज़िकल हैं, दिखने में कैसे होंगे, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, चाहे वो केमिकल हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होगी उसके अपने कंपोनेंट से। ठीक है, कार्बन के अकेले में जो प्रॉपर्टी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं पाई जाएगी, ऑक्सीजन की अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी एक अलहदा से प्रॉपर्टीज़, चाहे वो फिज़िकल हैं चाहे वो केमिकल हैं, वो शो करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं वाटर की, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, यानी 2 पार्ट्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 अटैच होती हैं एक ऑक्सीजन के साथ, लेकिन अगर हम लोग इनके मास के हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन काफ़ी हैवी है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से हम लोग कहें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर कंसंट्रेशन देखी जाए तो देर इज़ वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड देर आर एट पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी फिक्स्ड होती है, रेशियो होती है इनकी फिक्स्ड होती है जो चेंज नहीं होती है, तो ये वर्ल्ड वाइड सेम है। और इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से काफ़ी डिफरेंट होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर अपनी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भुला के अब वो एक नई प्रॉपर्टीज़ देते हैं वाटर को, जो कि खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनके अंदर मतलब कि इनके अंदर आयंस बने होते हैं, आप लोगों ने आयंस पढ़ा था, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये जो है आयंस ये मिलके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। और ये खाली एक मॉलिक्यूल की सूरत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि आयंस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्होंने 3D अपना स्ट्रक्चर बनाया था, लेटिसेस बनाई होती हैं। तो ये इससे मैं आपको ज़रा समझाती हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि आयंस क्या होते हैं, कि जिनके ऊपर या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव कब आता है? जब एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, Na के पास से इलेक्ट्रॉन निकल गया था, ठीक है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्लोरीन Cl के पास नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोगों को ये तो पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब ये दोनों ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यानी कि ये ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ फिर ये बॉन्ड बना लिया, तो ये एक कंपाउंड हमारे पास बन गया NaCl। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एक जगह पे NaCl का अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड पड़ा हुआ है तो अकेला एक जगह पे पड़ा हुआ है, नहीं। जब वो एक साथ बहुत सारे पड़े होते हैं फिर क्या होता है कि अगर ये NaCl है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आसपास इसके आसपास कोई और कंपाउंड, कोई और मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है NaCl का, तो ये क्या होगा कि ये जो इसका Cl का नेगेटिव है जो किसी और मॉलिक्यूल का था, वो इस मॉलिक्यूल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह किसी और मॉलिक्यूल में NaCl कोई और तीसरा मॉलिक्यूल पड़ा है, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर इस तरह क्या होता है कि ये सारे एक
दूसरे के साथ अटैच्ड पड़े होते हैं, ये तो सारे एक दूसरे के साथ लेटिस बनाए होते हैं, उन्होंने क्रिस्टल शेप बनाई होती है, यानी कि ये वाला एन ए इसको सी एल के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है। इधर कोई चौथा अगर एन ए सी एल इधर रखा हुआ है, उसका मॉलिक्यूल है, तो उसका भी क्लोरीन जो है इस एन ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरह से क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जितने अपोजिट चार्जेस आस पास एक दूसरे के आते जाएंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे अपनी तरफ, और इस तरह से जो है ये इनका जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जब आपस मिल जाते हैं तो इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जब इनको तोड़ना मुश्किल है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बॉइलिंग और मेल्टिंग तभी होती है जब ये आपस में इनके बॉन्ड्स टूट सकें। अगर इनके बॉन्ड ही इतने स्ट्रांग हैं, इनको तोड़ना ही इतना मुश्किल है, तो इसका मतलब कि इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। ये कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड जो ऐसे एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर लेटिस बना देते हैं, इनको हम लोग फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, फार्मूला यूनिट्स, इनको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, ये है फार्मूला यूनिट्स। यानी कि जब एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उन लोगों ने काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब इसके और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक पोटेशियम ब्रोमाइड है, एक है कॉपर सल्फेट। इन सब में यही है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव और SO4 के ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के अट्रैक्ट होने की वजह से ये जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एस आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स, हमने कहा कंपाउंड्स की टू टाइप्स हैं, एक हमने पढ़ लिया आयनिक कंपाउंड, दूसरी पे हम आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड मोस्टली जो है मॉलिक्यूलर की सूरत में, मॉलिक्यूल की सूरत में हमारी नेचर में पाए जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें चार्जेस का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने साथ एक दूसरे के साथ कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर। जो कोवेलेंट एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी एग्जांपल में कौन कौन सा है, वाटर है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सीन नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, आयंस नहीं थे, H2SO4 यानी कि, और उसके बाद है CH4 यानी कि मीथेन है। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें ये क्या है कि हम लोगों ने अभी तक कंपाउंड्स पढ़े हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे चीज़ें जो मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं, और इनकी जो रेशियो होती है एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की वो फिक्स्ड होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की 3:8 है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 है, इसी तरह मैंने आपको बताया दो कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जिसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये मॉलिक्यूल की सूरत में मौजूद नहीं होते हैं, ये बल्कि लेटिस बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऐसे साथ चिपके होते हैं एक दूसरे के, इनको हम लोग फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं। दूसरी चीज़ हमने कहा कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस का रोल नहीं है, इन्होंने बस एक दूसरे के साथ कोवेलेंट कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं, और इनको हम लोग फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। इसमें एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और मीथेन की है। इसी तरह अगर आप अपने टेबल, अपनी बुक में टेबल नंबर 1.3 की तरफ देखें, जो आपके पेज नंबर 8 पे है, इसमें आप लोगों को कंपाउंड्स दिए गए हैं, साथ आगे केमिकल फार्मूलाज दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अभी तक वो इसमें ये मेंशन नहीं किया कि कौन से आयनिक कंपाउंड्स हैं, कौन से कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि इसमें वाटर है, सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सैंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा, फिर क्विक लाइम, फिर लाइम स्टोन, शुगर, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया। इसमें एक आप लोगों को बहुत ज़्यादा खास चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे नेम्स हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पर आप सेकेंड नंबर पर देखें, सोडियम क्लोराइड है और साथ में लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आपको बुक में आ सकता है, आपको पेपर में आ सकता है, या कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताएं, या फिर कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो दोनों का सेम है। इसी तरह सैंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसका दूसरा नाम है, इसी तरह कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, क्विक लाइम और लाइम स्टोन, इनके टू टू नेम्स हैं लेकिन फार्मूला इनका सेम है। इसके अलावा हम लोग आगे बात करते हैं मिक्सचर्स की, लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें एक रिमाइंडर दिया है कि जब आप हमेशा जो है किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड जो उसका सिंबल होता है आपने वही यूज़ करना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का सिंबल सी है, आपने हमेशा सी कैपिटल में ही यूज़ करना है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप।
ठीक है, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके अलावा जो उनके करेक्ट केमिकल फार्मूलाज हैं किसी कंपाउंड के, वो आप लोगों ने प्रॉपरली यूज़ करने हैं, प्रॉपर एब्रिविएशन यूज़ करनी है किसी साइंटिफिक टर्म की। उसके अलावा आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ और SI यूनिट्स जो हैं वो सेम रखने हैं, ठीक है, फॉर कॉन्स्टेंट वो आप लोगों ने सेम रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की। अब असल में मिक्सचर जो हैं वो कह लेंगे कंपाउंड्स के एक तरह से ऑपोजिट हैं, ठीक है। कंपाउंड्स में हमने ये कहा था कि एक तो वो केमिकली जॉइन होते हैं, सेकंड उसमें हमने बात की थी फिक्स्ड मास रेशियो होता है, ठीक है। मिक्सचर्स की बात करते हैं व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं फिज़िकली, ठीक है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिज़िकली हम जो मिक्स कर देते हैं वो है फिज़िकली एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, वो मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो। और इसमें कोई भी रेशियो नहीं है कि आपने कार्बन को इतना रखना है, आपने हाइड्रोजन को इतना रखना है, आपने ऑक्सीजन को इतना रखना है, एक्सेट्रा, ठीक है। एक और बात मैंने आपको बताया था कंपाउंड्स में कि जब वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं, तो वो अपनी पर्सनल जो उनकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको छोड़ के कंपाउंड को एक उसकी नई फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देते हैं। लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, मिक्सचर जो हैं उनकी अपनी जो है, मिक्सचर में जितनी भी चीज़ें आपने मिक्स की हैं उनकी अपनी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहती हैं, ठीक है, उनकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ज़रूर मेंटेन रहती हैं। एक और हमने कहा था कि कंपाउंड्स में एक और बात ये नोट करने वाले कि कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, जिस तरह CO2 है, हम कहें कि हम सिंपली इसको किसी फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए इसको सेपरेट कर लें, कार्बन को ऑक्सीजन से दूर कर दें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मिक्सचर्स में ये है कि मिक्सचर्स में हम लोग अगर आपने कोई चीज़ आपस में मिक्स की है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वाटर को सॉल्ट के साथ मिक्स किया है, तो दिस इज़ अ कॉल्ड एज अ मिक्सचर, ठीक है, हम इनको अलहदा कर सकते हैं फिर भी। अगर हम लोग पानी को उबाल दें, इसके वेपर्स बना लें, तो पीछे हमारे पास सॉल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इनको जो मिक्सचर्स होते हैं हम इनको फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। आप फिज़िकल मेथड्स वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं डिस्टिलेशन हो सकती है, फिल्ट्रेशन हो सकती है, इवेपोरेशन हो सकती है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है, या फिर मैग्नेटाइजेशन हो सकती है, ठीक है। हम इनके क्रिस्टल्स बना के इनको सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को आपस में, हम उनको मैग्नेट के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेट जिस तरह मैंने इसका बताया कि इवेपोरेशन कर सकते हैं, हम फिल्टर कर सकते हैं यानी कि फ़िल्टर बीच में लगा दें तो चीज़ें अलहदा सेपरेट हो जाएंगी, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म रहती हैं उनको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, जैसे कि वाटर सॉल्ट हो गया, जैसे एयर हो गई। एयर में आपको ये एयर जो है तमाम जगह पे जितनी भी है आपको दिखने में सेम लग रही है, आपको ये नहीं कि गैसेस का पता चल रहा है कि वो इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो हाइड्रोजन एटम का गैस है, वो हाइड्रोजन गैस का एटम है, वो ऑक्सीजन का एटम इधर जा रहा है, नाइट्रोजन का एटम वो है, नहीं ऐसा नहीं है। एयर आपको तमाम जो है उसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें मिक्स हैं, वो उसमें कोई भी उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सिमिलरली गैसोलीन है, उसका भी इसी तरह ही है, आपको इसमें कोई भी डिफरेंट टेक्सचर्स नज़र नहीं आते। सिमिलरली आइसक्रीम है, जब वो थोरोली मिक्स्ड है तो उसमें आप लोग को अलहदा अलहदा शुगर, दूध, ये चीज़ें आपको अलहदा अलहदा नज़र नहीं आ रही होंगी, बल्कि वो थोरोली आपस में मिक्स्ड है। उसके अलावा नेक्स्ट कौन से हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, वो मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, दे आर कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉइल है, रॉक है, वुड है, रॉक है आपको उसमें टेक्सचर्स में डिफरेंस नज़र आएगा, सॉइल है आपको खुद उसमें आप देखेंगे तो आपको उसके टेक्सचर में नज़र आएगा डिफरेंस नज़र आएगा, वुड है सिमिलरली। इसी तरह अगर आप वाटर में सॉइल को ऐड कर दो, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसमें उन्होंने चार कंपाउंड्स का नाम लिया है, एक है चार सब्सटेंसेस का है, फर्स्ट वन इज़ एयर, सेकंड वन इज़ सॉइल, थर्ड वन इज़ मिल्क, फोर्थ वन इज़ ब्रास। एयर क्या है, एयर किस किस चीज़ से बनी होती है, वो कहते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। एयर बहुत सारी गैसेज से मिलकर बनी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के वेपर्स हैं, नोबल गैसेज हैं, लेकिन फिर भी ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें आपको सेपरेटली कोई भी अलहदा से गैस नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि वो थॉरली एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सॉइल की, सॉइल इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये बना होता है मुख्तलिफ चीज़ों से, जिसमें सैंड आ जाती है, क्ले है, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाटर है, एयर है, सॉइल इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। फिर हम लोग बात करते हैं मिल्क की, मिल्क इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिल्क किस किस चीज़ से बना होता है, वाटर से बना होता है, शुगर से, फैट,
प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड विटामिन से। इसी तरह ब्रास है, ब्रास इज़ अ मेटल, आप कह लें ये दो मेटल से मिलके बना था, कॉपर एंड जिंक से। तो उन्होंने हमें ये डिफरेंट मिक्सचर्स की एग्जांपल दी हैं कि किस तरह से कौन कौन से मिक्सचर किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें टेबल नंबर 1.4, दैट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड द मिक्सचर्स। ये हमें कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंस का बता रहे हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो केमिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। जबकि मिक्सचर क्या है? ये सिंपल मिक्सिंग है, फिजिकल आप कह लें। सिंपल हमने चम्मच से कोई चीज़ मिक्स कर दी तो दैट इज़ अ मिक्सचर। दूसरा पॉइंट पे आए तो कंपाउंड्स के क्या हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। मैंने ये बात बार बार रिपीट किया है कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और हाइड्रो ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो वो कार्बन और ऑक्सीजन बिल्कुल अपनी सारी खसूसियात को भुला के कार्बन डाइऑक्साइड को एक नई किस्म की जो है प्रॉपर्टीज़ देंगे, जो खुद कार्बन और ऑक्सीजन से बहुत डिफरेंट होती हैं। जबकि मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर जिस जिस चीज़ से बना होता है उस उसकी चीज़ की प्रॉपर्टीज ज़रूर दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर है, तो वो वाटर आम पानी अगर आप टेस्ट करते हैं तो वो उसका कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप इस मिक्सचर का वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को टेस्ट करोगे तो उसमें ज़रूर आपको सॉल्ट का नमकीन टेस्ट आएगा। यानी कि यहाँ पे सॉल्ट भी अपनी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट है आपके पास, कंपाउंड्स हैव ऑलवेज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंपाउंड्स की जो फिक्स्ड रेशियो होती है मास की, चेंज नहीं हो सकती है। जिस तरह कार्बन और ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड में होती है वो 3:8 है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जबकि जो मिक्सचर्स हैं उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, आप चाहे पानी में ज़्यादा सॉल्ट डालें चाहे कम सॉल्ट डालें, वो फिर भी मिक्सचर ही कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड्स को, ये भी मैंने आपको पार्ट का जिक्र किया था कि हम फिजिकल तरीके से इसको तोड़ नहीं सकते हैं, जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल सिंपल फिजिकल मीन्स मेथड्स। फिर फिफ्थ पॉइंट पे आए, एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। जिस तरह हम लोगों ने अभी कहाँ पे कौन सा पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा था, NaCl, जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे। उसके अलावा हम लोगों ने H2O कह लें, ठीक है, ये वाटर है, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी इनके अपने अपने एक केमिकल फार्मूला होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, जो सेम रहते हैं। लेकिन मिक्सचर्स हैं उनका कोई भी एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला। इसका कोई भी केमिकल फार्मूला मिक्सचर्स का नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है, ठीक है, जबकि मिक्सचर जो है दो किस्म के हो सकते हैं, या तो वो हेट्रोजीनियस होंगे या फिर वो होमोजीनियस होंगे। फिर सेवन्थ पॉइंट है, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट्स भी फिक्स होते हैं और शार्प होते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मेल्ट करना है तो उसके कितना होना चाहिए वो सेम रहता है, जबकि मिक्सचर्स का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर ये वाटर सॉल्ट है, इसका अपना, अगर एक कप पानी में एक चम्मच सॉल्ट लिया तो उसका अपना होगा मेल्टिंग पॉइंट। अगर दो चम्मच कर लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर तीन चम्मच कर लें तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह इससे हम ये कह सकते हैं कि मिक्सचर्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अलॉन्ग विद द कॉम्पोजिशन, जैसे जैसे हम कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कंपाउंड्स की हम कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज नहीं होता और वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।